नमस्कार, आप लोगों का आरएमएस क्लास पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में यानी आज की इस वीडियो में हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आठ में, क्या देखना है। नाइन तक हो गया था ना बाबू, हाँ टेन को देखना है। आइए क्वेश्चन नंबर टेन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर टेन का फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन का। एक्स प्लस थ्री के दी होल स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री के दी होल स्क्वायर प्लस सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री और माइनस फोर्टी। तो देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका आपको पास मौजूद है। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे एक्स प्लस तीन या यहाँ भी एक्स प्लस तीन, तो एक्स प्लस तीन बराबर कोई भी अल्फाबेट का टर्म मान लिया, यानी एक्स प्लस तीन बराबर क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस सेवन एम और माइनस फोर्टी फोर, इसका हमें फैक्टर निकालना। अभी कोई कुछ जिद्दी स्टूडेंट होते हैं, नहीं हम बिना माने हुए बनाइए, तो बिना माने हुए हम कैसे बनाएंगे, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो पहले तो देख लीजिए, अभी इसी पैटर्न पर बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम बिना माने हुए बना, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखिए, एम स्क्वायर प्लस सेवन एम माइनस फोर्टी फोर ना, तो सिंपली प्रोसेस क्या होगी, गुना करेंगे तो फोर्टी फोर ना आ जाए, इसे क्या लिख सकते हैं, ग्यारह एम माइनस फोर एम और माइनस फोर्टी, ठीक है। तो यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, एम तो क्या हो जाएगा, एम माइनस ग्यारह, यहां से माइनस फोर ले लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा, एम सॉरी एम कॉमन ले तो एम प्लस ग्यारह हो जाएगा, यहाँ पर माइनस फोर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, एम प्लस। अब देखिए यहाँ पर माइनस फोर कॉमन क्यों ले लिया, सिर्फ हम प्लस फोर कॉमन क्यों नहीं ले, क्योंकि यहाँ पर क्या वो एम प्लस ग्यारह है ना। यहाँ पर जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो जानते हैं कि माइनस में खूबी होता है, क्या करता है, जैसे आप माइनस कॉमन ले जाए तो उसका साइन चेंज कर रहेगा, जिससे आप कॉमन ले जाओ, जैसे यहाँ पर क्या था माइनस था ना, तो अपने आप प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस था ना तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एम प्लस ग्यारह दोनों में है, एम प्लस ग्यारह को कॉमन ले लीजिए, एम प्लस ग्यारह जैसे ही कॉमन ले जाते हैं यहाँ पर क्या बचेगा, एम माइनस चार। अब जो चीज वैल्यू इसे माने थे उसे वापस भी तो लौटाना है ना, एम का वैल्यू आपने क्या माना था, अब आइए वैल्यू लीजिए, एम प्लस ग्यारह में एम का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस तीन और प्लस ग्यारह हो जाएगा, और यहाँ का है एम माइनस फोर ना, एम का वैल्यू क्या है बाबू, एक्स प्लस तीन और माइनस क्या चार ना, यानी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस चौदह इंटू एक्स माइनस, ठीक है। ये तो होगा एक पैटर्न से, अभी इसी को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पैटर्न से देखते हैं। आइए देख लीजिए, यदि दूसरे पैटर्न से देखना चाहते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस तीन के जो हल है, ठीक है, तो प्रोसेस वही करना है। यहां पर क्या है, सात एक्स सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री दे दिया है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, ग्यारह इंटू एक्स प्लस थ्री और माइनस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री और माइनस फोर्टी फोर, इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लीजिए, ग्यारह एक्स प्लस थ्री में से चार एक्स प्लस थ्री घटाई जाएगा तो फिर से आ जाएगा सेवन एक्स प्लस थ्री, इससे करने से हमें फायदा क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस तीन दोनों में कॉमन है, एक्स प्लस तीन कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही एक्स प्लस तीन कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स प्लस तीन और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस ग्यारह, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये दोनों में हम कॉमन ले लें, ये दोनों में माइनस फोर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस तीन है और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस ग्यारह। अब देखिए एक्स प्लस तीन प्लस ग्यारह दोनों में ना है, तो एक्स प्लस तीन प्लस ग्यारह दोनों में है तो कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस फोर। आगे बढ़ जाइए, एक्स प्लस तीन प्लस ग्यारह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस चौदह ना, और एक्स प्लस तीन माइनस चार का हो जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है। चलिए, तो अब आपको जिस मेथड से आपको बढ़िया लगे, बेहतर लगे, उसी मेथड से बनाइए, इस मेथड से समझ में आ जाते इससे बनाइए, अभी बिना मानकर बनता है तो मानकर बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर टेन का ही सेकंड। तो टेन का सेकंड क्या कर रहा है बाबू, सिक्स प्लस सेवन इंटू सिक्स प्लस सेवन इंटू ए प्लस बी और क्या है, माइनस थ्री इंटू
माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ जाइए इसी में, तो सिक्स प्लस सेवन इंटू क्या है ए प्लस बी ना, और माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे हम सजा कर लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसे हम सजा कर लिख देते हैं। सजा कर क्या लिखिएगा इसे, माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर और प्लस सेवन इंटू ए प्लस बी और ये कहा जाएगा प्लस सिक्स। अब इसके बाद जो भी मेथड आपको पसंद करे उसी पर बनाइएगा, ठीक है। हम दो तो दोनों बताते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिक्स से यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस अठारह ना, तो माइनस अठारह यदि आप यहाँ पर क्या आपको लाना है तो माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर। इसे क्या लिखिए, आप इसे आप क्या लिख सकते हैं, सेवन को यहाँ पर गुना करने के बाद पाद क्या आना चाहिए, सेवन के क्या आना चाहिए अठारह। आप ए प्लस बी प्लस क्या दिया इसे भूल जाइए, सिर्फ डिजिट पर आइए। यहाँ पर छह है ना, छेत्र करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस अठारह है और यहाँ पर क्या है सेवन है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए, तो ऐड करें तो क्या हो जाए सात आ जाए और गुना करें तो क्या आ जाए माइनस अठारह आ जाए। तो आपको कौन सा डिजिट लेना पड़ेगा, यदि आप नौ और दो ले लेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी क्या हम ले लेते हैं नाइन इंटू ए प्लस बी और माइनस टू इंटू ए प्लस बी, प्लस सिक्स तो है ना प्लस सिक्स। अब आगे बढ़ जाइए, तो दोनों में क्या कॉमन है, यहां ध्यान दीजिए माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ ए प्लस बी और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस थ्री, क्योंकि माइनस में कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस थ्री। ब्रैकेट बंद, यहाँ पर क्या कॉमन ले जाएगा माइनस टू कॉमन ले जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा ए प्लस बी और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो साइन अपने आप चेंज। तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी और माइनस टू और क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस थ्री, ए प्लस बी माइनस थ्री कॉमन ले जाए तो क्या बचेगा माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी यहाँ पर, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस टू। अब इसी को और आगे बढ़ा कर लिखना चाहें नहीं तो यहीं पर इसको आंसर लिख सकते, नहीं तो इसे और आगे बढ़ा कर भी लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखेगा आप, तो इसे लिखने से कोई फायदा नहीं, सेम चीज यही आना है। लिखना चाहें तो लिखिए माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी माइनस टू इंटू ए प्लस बी माइनस, ठीक है। चलिए तब इसी को यदि आप तो देखना चाहेंगे सेम दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे तो आइए देख लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर क्या मान लेते हैं हम, ए प्लस बी बराबर सी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री सी के स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सेवन सी और प्लस सिक्स ना, तो अगेन देख लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री सी स्क्वायर प्लस नाइन सी माइनस टू सी प्लस सिक्स। यहाँ पर क्या कॉमन ले लीजिएगा माइनस थ्री सी, यहाँ पर क्या बचेगा सी और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ सॉरी माइनस थ्री बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा सी माइनस थ्री, तो सी माइनस थ्री दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर क्या बचेगा सी माइनस थ्री, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस थ्री सी ना, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस टू। और सी का वैल्यू वापस इसको लौटा दीजिए तो सी का वैल्यू क्या ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी माइनस थ्री और माइनस ना तो माइनस थ्री गुना तो माइनस थ्री ए और माइनस थ्री बी माइनस, ठीक है। तो दोनों से सेम आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बाबू, पी स्क्वायर प्लस चार चार पी के स्क्वायर, क्या दे दिया है पी स्क्वायर प्लस चार पी के स्क्वायर और प्लस इक्कीस इंटू और प्लस इक्कीस इंटू पी स्क्वायर प्लस चार पी, पी स्क्वायर प्लस चार पी और प्लस क्या है 98। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें भी वही काम करना है, 98 में है तो सिर्फ आप ये सब भूल जाइए कि पी स्क्वायर दे दिया क्यू स्क्वायर दे दिया क्या दे दिया वगैरह वगैरह, सिंपल डिजिट याद रखिए कि यहां पर क्या है 98, तो गुना करें तो 98 है, यहां पर क्या है जोड़े घटाएं तो 21।
तो 14 का पहाड़ा 7 और पढ़ेगा तो 14 सत्य क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। सिंपल पुट कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर, यानी क्या हमें लिखना पड़ेगा 14 पी स्क्वायर प्लस 4 पी ब्रैकेट बंद और प्लस 7 पी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 98 ना है प्लस 98 ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, ये दोनों में क्या कॉमन है सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 4 पी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए तो पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 4 पी के होल स्क्वायर है बाबू क्वेश्चन में ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस 4 पी कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस 4 पी यहां से और यहां पर क्या बचेगा प्लस 14 ब्रैकेट बंद, ये दोनों में क्या कॉमन ले लेगा प्लस 7 तो प्लस 7 कॉमन लेते हैं पर क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस 4 पी और यहां पर क्या बचेगा 14 98 यानी 14 पी स्क्वायर प्लस 4 पी प्लस 14 दोनों में है ना तो कॉमन ले लीजिएगा तो पी स्क्वायर प्लस 4 पी प्लस 14 यहाँ पर क्या बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 पी और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा आंसर ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी को उस मेथड से बनाने की इच्छा है तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखा नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है आपको 8 into a plus 1 के स्क्वायर प्लस 2 into a plus 7 प्लस 2 into a plus 1 और b प्लस 2 और b प्लस 2 और माइनस 15 और b प्लस 2 के दी होल स्क्वायर ठीक है। आगे पढ़ते हैं 8 into a plus 1 क्या स्क्वायर ना तो सिंपल आप सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ पर देखिए -15 × 8 क्या हो जाएगा -120 और यहाँ पर क्या है 2 ना तो यानी क्या करना कि जोड़े घटाएं तो क्या जाए प्लस 2 ना और गुना करें तो क्या जाए -120 कौन सा डिजिट आपको मिल रहा है तो समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम ले लें 12 और 10 तो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तो यहाँ पर डिजिट देते हैं 8 into a plus 1 के स्क्वायर प्लस क्या 12 into a plus 1 और b प्लस 2 और माइनस क्या 2 into a plus 1 और b प्लस 2 ठीक है। अरे क्या है -15 b प्लस 2 के स्क्वायर यहां पर देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहां पर सॉरी बाबू यहां पर 10 होगा ना यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लीजिएगा 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 डिजिट में और a प्लस 1 यहाँ पर भी है ना तो 4 into a plus 1 कॉमन लीजिएगा यहाँ पर क्या बचेगा 2 into a plus 1 और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 3 into b plus 2 ठीक है। 4 जैसे ही कॉमन ले तो 12 से क्या बचेगा 3 ना और a प्लस 1 तो बाहर चला गया ना तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा b प्लस 2 और यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर हम ले लेते हैं -5 कॉमन तो -5 कॉमन लेते हैं यहाँ पर क्या बचेगा 2 ना और यहाँ सॉरी -5 b plus 2 कॉमन ले लीजिए एक b plus 2 यहाँ पर भी b plus 2 यहाँ पर भी ना है यहाँ पर क्या बच जाएगा a plus 1 और उसके आगे क्या लग जाएगा 2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 into b plus देखिए 2 into a plus 1 और 3 into b plus 2 यहाँ पर भी है 2 into a plus 1 3 into b plus 2 यहाँ पर भी है ले लीजिए तो 2 into a plus 1 into 3 into b plus 2 ब्रैकेट 1 यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 into a plus 1 और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 5 into b plus 2 ठीक है। इसे यदि आप और आगे बढ़ाकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं तो 2a plus 2 प्लस 3b plus 6 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a plus 4 -5b -10 इसे और आगे बढ़ाकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या हो जाएगा तो 2a plus 3b और 6 क्या हो जाएगा 8 ना और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a minus 5b 4a minus 5b और -10 और प्लस 4 क्या हो जाएगा -6 ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कर रहे हैं, 12x के पावर 4 प्लस 13 x³ -4x²y²। ठीक है, तो सिर्फ आपको इसमें भी x²y² क्या देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपली देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 ना, यानी क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -48 आ जाएगा, जोड़े घटाएं तो क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो कौन सा डिजिट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा क्या हम ले लें, क्या ले लीजिएगा, 16 और 3 आइए ले लेते हैं। तो 12x⁴ +16x³ और -3x³ -4x²। ये दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4। और क्या कॉमन ले लेते हैं, x³ ना, 4x³ कॉमन लीजिए, क्योंकि x³ यहाँ पर भी है, x⁴ में x³ छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है, यहाँ पर क्या बचेगा 3x और यहाँ पर क्या बचेगा 4y। ये दोनों में ध्यान से देखें, x²y² है ना, यानी क्या है, x² यहाँ पर भी, x² यहाँ पर भी, y यहाँ पर भी, y यहाँ पर भी, तो x²y कॉमन ले लीजिएगा। और डिजिट में कुछ कॉमन ले सकते हैं, वे कुछ भी नहीं ले सकते, माइनस कॉमन ले जाते, यहाँ पर क्या बचेगा 3x ना, 3 बचेगा और x²y है, यहाँ पर x³ का लिखेगा, x³ को x² * x लिख सकते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 3x और यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, x² ना, यहाँ पर क्या बचेगा 4, ये क्या बचेगा y, तो 3x + 4y यहाँ पर भी ना है दोनों तरफ, तो 3x + 4y को कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही कॉमन ले लीजिए यहाँ पर क्या बचेगा 4x³, यहाँ पर क्या बचेगा -x². अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th का आखिरी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, सिक्स में दे दिया कि x² + 5x - 6, ठीक है, x² + 5x - 6, ठीक है, अब +px + 6p, इसका फैक्टर निकालना है। तो ध्यान से देखिए बाबू, x² + 5x - 6 ना, या px + 6p है, तो हम यहाँ पर क्या सोचे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले x² + 5x + 6 इसका अगर फैक्टर निकालना चाहते क्या हो जाएगा, सिर्फ x² + 5x - 6 फैक्टर निकालने का प्रयास कीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना करने पर -6 आ रहा है ना, तो बीच वाला को हम कैसे तोड़ेंगे, तो -6x और +x करें, -6x और -x क्योंकि यहाँ प्लस सेक्शन है और -6, ये दोनों में क्या कॉमन है, पी कॉमन है, तो पी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x+6 आ गया। अब आगे देखते हैं, ये दोनों में x+6 में x कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा x+6, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और +6। जानते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस में थे भी प्लस में, भी माइनस था तो प्लस में, अब पी इंटू क्या हो जाएगा x+6, तीनों में कॉमन है, तो x+6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x, यहाँ पर क्या बच जाएगा -1, यहाँ पर क्या बच जाएगा p, इसका फैक्टर हो गया।